नमस्कार, मैं प्रिया। आज 19 अगस्त। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के कई प्राइवेट स्कूल पर लटक सकता है ताला। मैट्रिक पास के लिए पटना जीपीओ में रोजगार का मौका। आज बिहार समेत पूरे देश में मनाया जाएगा मुहर्रम। अब महिलाएं भी दे सकेंगी एनडीए की परीक्षा। अब बिहार में 9 मीटर से अधिक ऊंचे भवन को करना होगा ये काम। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने निकाली रिक्तियां। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी ने सहायक अधिकारी चिकित्सा विशेषज्ञ के कुल मिलाकर 47 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास प्रासंगिक अनुशासन में सीए, आईसीडब्ल्यूए, एमबीबीएस, एमडी, डीएनबी, पीजी डिप्लोमा में डिग्री अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 2 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.ntpc.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए यूआरएल से जाकर ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जिले के मौसम का हाल। आईएमडी पटना द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज जिले में आज कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में कुछ जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले में भी आज कुछ जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। दक्षिण पश्चिम बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल के कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय जिले के कुछ ही जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया के जिले के कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। मैट्रिक पास के लिए पटना जीपीओ में रोजगार का मौका। मैट्रिक पास युवाओं के लिए अहम सूचना। भारतीय डाक विभाग ने हाल ही में डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा के लिए प्रत्यक्ष अभिकर्ता यानी कि डायरेक्ट एजेंट बनने का मौका दिया है। वहीं पटना जीपीओ के अंतर्गत सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर के लिए एजेंट की जरूरत है। 18 से 50 साल आयु सीमा वाले इसके लिए योग्य पात्र है। शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होनी चाहिए। इस बाबत पटना जीपीओ के चीफ पोस्टमास्टर राजबिहारी राम ने कहा है कि पटना जीपीओ के सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर से इसके बारे में अधिक जानकारी ली जा सकती है। स्वरोजगार के इच्छुक डाक बीमा एजेंट बनकर खुद और अपने परिवार के सदस्यों के लिए वित्तीय भविष्य को सुरक्षा दे सकते हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे सत्येंद्र नारायण सिंह की। सत्येंद्र नारायण सिन्हा का जन्म बिहार के मगध मंडल में 12 जुलाई 1917 को हुआ था। सत्येंद्र नारायण सिन्हा एक भारतीय राजनेता थे। वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। प्यार से लोग उन्हें छोटे साहब कहते थे। वो भारत के स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, सांसद, शिक्षा मित्र, जेपी आंदोलन के स्तंभ तथा बिहार राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें 10 वर्षों तक लगातार केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला, जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय समिति में एशिया का प्रतिनिधित्व किया। सत्येंद्र बाबू बिहार के औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से 7 बार सांसद रहे और इसे मिनी चित्तौड़गढ़ के नाम से भी जाना जाता रहा। मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2021 के फाइनल में पहुंची बिहार की बेटी। इस साल गुरुग्राम में 17 से 21 अगस्त 2021 तक आयोजित होने वाले मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2021 में बिहार का नाम भी सामने आया है, क्योंकि बिहार के गोपालगंज में जन्मी सुरमया प्रदर्शनी इस साल आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस साल मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2021 गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की महिलाएं भाग ले रही हैं। जो महिला इस प्रतियोगिता को जीतेंगी वही आगे चलकर मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ज्ञात हो, फाइनल में पहुंचने के लिए सुरमया ने कड़ी मेहनत की। आज बिहार समेत पूरे देश में मनाया जाएगा मुहर्रम। मुहर्रम का महीना इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है, जिसके तहत आज बिहार समेत पूरे देश में सादगी के साथ इसे मनाया जाएगा। मान्यता यह है कि हजरत इमाम हुसैन इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे थे। उन्होंने इस्लाम और मानवता की रक्षा के लिए अपने अपने परिवार और दोस्तों की कुर्बानी दे दी। इसी शहादत की याद में शिया मुसलमान ताजिया निकालते हैं। यह ताजिया उन शहीदों का प्रतीक माना जाता है। अब महिलाएं भी दे सकेंगी एनडीए की परीक्षा। एनडीए की परीक्षाओं में अब तक आपने केवल पुरुषों को ही देखा होगा, लेकिन अब एनडीए की परीक्षा में आपको महिलाएं भी नजर आने वाली है। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने सेना की पॉलिसी डिसीजन को गलत बताया है और महिलाओं के एनडीए परीक्षा में शामिल होने का रास्ता साफ कर दिया है। हालांकि इस दौरान सेना ने अपना पक्ष रखते हुए महिलाओं को एनडीए की परीक्षा में शामिल नहीं करने की बात को सेना का पॉलिसी डिसीजन बताया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आपका डिसीजन पॉलिसी पक्षपात है और महिलाओं की
मूलभूत अधिकारों का हनन करता है। वहीं इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने भी महिलाओं के पक्ष में आदेश जारी करने की अपील की थी। कामकाजी लोगों के लिए जिला स्तर पर बनाए गए टीकाकरण केंद्र। बीते दिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के कामकाजी लोगों की दिनचर्या को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने जिला स्तर पर 9 से 9 टीकाकरण केंद्र बनाए हैं, जहां अब लोग आसानी से सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक जाकर टीका लगवा सकते हैं, जिसके तहत सरकार ने सभी जिलों में बनाए जाने वाले टीकाकरण केंद्र की पूरी सूची भी जारी कर दी है कि कामकाजी लोग की सहूलियत के लिए किस जिले में किन किन स्थानों पर टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। बिहार के कई प्राइवेट स्कूल पर लटक सकता है ताला। बिहार के कई निजी स्कूल के गेट पर शिक्षा विभाग ताला लगा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में प्राइवेट स्कूल का संचालन करने के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके तहत स्कूलों में आधारभूत ढांचे की जांच को लेकर सूबे की सरकार ने कमर कस ली है। इसके साथ ही इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया है कि NOC के बिना किसी भी प्राइवेट स्कूल का संचालन नहीं किया जाएगा। यानी कि अब एक बात तो साफ है कि जिन भी प्राइवेट स्कूल के पास NOC नहीं है, उनका बंद होना तय है। इसके साथ ही बिहार में स्कूली शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मान्यता देने वाले नियमों में बदलाव कर दिया है, जिसके तहत CBSE अब किसी भी नए प्राइवेट स्कूल को मान्यता उसकी पढ़ाई लिखाई की गुणवत्ता यानी कि लर्निंग आउटकम के आधार पर ही देगी। सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए 32 करोड़ स्वीकृत। राज्य सरकार IIT संस्थानों के तर्ज पर सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर विकसित करने जा रही है। इन संस्थानों को नए स्तर से विकसित करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही पटना स्थित IIT के साथ MOU या इकरारनामा करने वाली है। इस बाबत वित्त विभाग ने विशेष तौर पर 32 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। राज्य के 50 पॉलिटेक्निक केंद्रों को विकसित करने की जिम्मेदारी विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को सौंपी गई है। छठे चरण की शिक्षक बहाली के लिए आवेदन शुरू, यहां है सबसे ज्यादा वैकेंसी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बहाली के छठे चरण का नया शेड्यूल जारी हो गया है। आपको बता दें कि 18 अगस्त से 17 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे, जिसमें 32,714 पदों के लिए आवेदन होने हैं। इसमें शिक्षा विभाग से पहले ही कहा गया है कि जो भी अभ्यर्थी पहले आवेदन दे चुके हैं, उन्हें दोबारा आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। नियोजन इकाई अंतिम मेधा सूची 6 दिसंबर तक सार्वजनिक करेगी। आपको बता दें दरभंगा में 2,804 पद है, तो वहीं पटना में 2,058 पद है। इसके अलावा औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, समस्तीपुर, नवादा, गया, नालंदा और रोहतास में 1,000 से ज्यादा रिक्तियां बताई गई हैं। इसके साथ ही कटिहार, पूर्णिया, बक्सर, बेगूसराय में भी रिक्तियां हैं। 32,714 पदों को 19,389 उच्च माध्यमिक स्कूल और 13,325 माध्यमिक स्कूलों में पूरा करना है। 9 मीटर से अधिक ऊंचे भवन को करना होगा ये काम। बिहार में अब 9 मीटर से अधिक ऊंचे शैक्षणिक भवनों को लेकर बिहार सरकार ने नए नियम को लागू किया है, जिसके तहत राज्य में अब 9 मीटर से ऊंचे भवन को अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इस बाबत हाल ही में अग्नि सुरक्षा को लेकर बनाई गई नियमावली 2021 में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत अब 9 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले शैक्षणिक भवन, 300 वर्ग मीटर वाले भवन जिसमें सभा कक्ष हो और 2 से अधिक बेसमेंट वाले भवनों के लिए फायर ऑडिट जरूरी है। इसके उल्लंघन करने पर 6 महीने की सजा या 50,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। ज्ञात हो आम भवनों की श्रेणी के लिए यह नियम 15 मीटर या इससे अधिक ऊंचे भवन या 500 वर्ग मीटर भूतल वाले भवनों को अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूरी होता है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का बनेगा हेल्थ कार्ड। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को बिहार सरकार हेल्थ कार्ड की सौगात देने वाली है, जिसके तहत बिहार सरकार बच्चों के सेहत का ख्याल रखने के लिए हेल्थ कार्ड बनाने वाली है, जिसका लाभ बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाला है। इतना ही नहीं, अब मिड डे मील में भोजन के साथ नाश्ते को भी जोड़ा जा सकता है। प्रतिष्ठित पोर्टल दैनिक जागरण की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का हेल्थ कार्ड तैयार होगा, जिससे अब बच्चों में पल रही बीमारियों का पता आसानी हो सकेगा और इसके निदान की भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से इसे तैयार किया जाएगा। बिहार में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में SLA गैस कनेक्शन। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है, जिसके तहत इस योजना की शुरुआत बिहार में भी हो गई है। हालांकि इस बार बिहारवासियों को थोड़ी राहत दी गई है, जिसके तहत आपको इस बार इस योजना से जुड़ने के लिए एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि अब आप बिना किसी एड्रेस प्रूफ के केवल कुछ जरूरी कागजातों के साथ ही नया कनेक्शन ले सकते हैं, जिसके तहत केवल आवेदन महिला के नाम से होना चाहिए। आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट प्रूफ, मोबाइल नंबर, फोटो की मदद से नया कनेक्शन ले सकते हैं।
बिहार में भारी बारिश के कारण कई ट्रेनों को किया गया रद्द। बिहार में भारी बारिश और जलजमाव के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार क्यूल मालदा टाउन स्पेशल बीते दिन, मालदा टाउन क्यूल स्पेशल आज, जयनगर भागलपुर स्पेशल बीते दिन, भागलपुर जयनगर स्पेशल, भागलपुर मुजफ्फरपुर स्पेशल, मुजफ्फरपुर भागलपुर स्पेशल, दानापुर साहिबगंज स्पेशल, साहिबगंज दानापुर स्पेशल ट्रेन को आज रद्द किया गया है। इसके साथ ही जमालपुर साहिबगंज रेलखंड के मध्य रेल पुलों के पास पानी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए यात्री सुरक्षा के मद्देनजर इस रेलखंड पर संचालित की जाने वाली ट्रेनों के परिचालन में बदलाव कर दिया गया है। बिहार भाजपा ने चार नेता समेत एक मंत्री को दी बड़ी जिम्मेदारी। बीते दिन बिहार भाजपा ने चार नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पत्र भी जारी कर दिया, जिसके तहत चार लोगों में दो को प्रदेश प्रवक्ता और दो को प्रेस पैनलिस्ट की जिम्मेदारी दी गई है। संतोष पाठक को प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व आईएएस अधिकारी उदय कुमार सिंह को भी प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं डॉक्टर धनंजय गिरी और आशुतोष झा को प्रेस पैनलिस्ट बनाया गया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। वहीं झंझारपुर के शराबी जिलाध्यक्ष सियाराम साह को हटाकर राघव कुमार को नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के संगठन मंत्री नागेंद्र जी को बिहार एवं झारखंड प्रदेश का क्षेत्रीय महामंत्री नियुक्त कर दिया है। कला संस्कृति युवा विभाग कर रहा है वर्क फ्रॉम होम की तैयारी। कोरोना ने सरकारी सिस्टम में भी बड़ा बदलाव कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग और वर्क फ्रॉम होम के ट्रेंड पर सरकारी कार्यालय तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार का कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने ई ऑफिस का सिस्टम लागू कर दिया है, जिससे अफसरों कर्मियों के साथ साथ आम लोगों को भी काफी राहत मिलेगी। कोरोना जैसे आपातकाल में भी सरकारी दफ्तर को बिना खोले काम किया जा सकेगा। फिलहाल अभी कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार ने पटना में ई ऑफिस की शुरुआत कर दी है। ई ऑफिस शुरू हो जाने से फाइलों के निस्तारण की गति काफी तेज हो सकेगी। फाइलों को भौतिक रूप से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से छुटकारा मिल जाएगा। फाइलों में सुरक्षित पुरानी टिप्पणी और पत्राचार के नष्ट होने, खराब होने और गायब होने का खतरा नहीं होगा। कोविड के समय में ई ऑफिस के माध्यम से संचिकाओं के निष्पादन से संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। बाढ़ के बीच पंचायत चुनाव की हुई घोषणा पर भड़के पप्पू यादव। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर जानकारी साझा कर दी गई है। साथ ही 11 चरणों में पंचायत चुनाव करवाए जाने की बात कही गई है, जिसको लेकर पप्पू यादव ने अब अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि बिहार डूब रहा है और सरकार को पंचायत चुनाव सूझ रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार के लगभग 20 जिले फिलहाल बाढ़ की चपेट में हैं। नदियों में आए उफान के कारण कई गांव डूब चुके हैं। लोगों ने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण ले लिया है। वहीं अब पप्पू यादव ऐसी स्थिति के बीच चुनाव आयोजन की घोषणा से बौखला गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने निकले। इस दौरान उन्होंने किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में एरियल सर्वे कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। इसके अलावा वो बाढ़ राहत कैंप का निरीक्षण करने भी पहुंचे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी होने के कारण बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में बाढ़ प्रभावित इलाकों में आम लोगों को राहत पहुंचाने की सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी व्यक्तिगत रूप से लगातार हालात की समीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जल्द ही राहत पैकेज की घोषणा करने का ऐलान भी किया। आखिरकार माने जगदानंद सिंह। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की नाराजगी खत्म हो गई है। बीते दिन जगदानंद सिंह राबड़ी आवास पहुंचे थे, जहां उन्होंने तेजस्वी यादव से एक घंटों मुलाकात की। एक घंटे की मुलाकात के बाद वो दोबारा से पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने राजद के युवा प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव को निलंबित किया। इसके साथ ही पार्टी की तरफ से उन्हें यह भी आश्वासन दिया है कि आगे आने वाले समय में किसी भी तरीके की मजाक मस्ती उनके साथ नहीं की जाएगी, क्योंकि लगातार तेज प्रताप यादव की तरफ से किए जा रहे बयानबाजी के कारण जगदानंद सिंह की नाराजगी जो है वो सामने आ रही थी। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि अब किसी भी तरीके की गलत बात उनके खिलाफ पार्टी में नहीं कही जाएगी। इस दिन भिड़ेगा भारत और पाकिस्तान। 5 सालों के बाद एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने आने वाला है, और यह संभव होगा T20 विश्व कप में। T20 विश्व कप 2021 के शेड्यूल को ICC ने जारी कर दिया है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 17 अक्टूबर को मेजबान ओमान और पापुआ न्यूगिनी के बीच मुकाबले से होगा। दोनों टीमों के बीच यह मैच ग्रुप बी में राउंड 1 के तहत होगा। वहीं भारतीय टीम का पहला मैच 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ICC की तरफ से जारी किए गए शेड्यूल में चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान को ग्रुप 1 में रखा गया है। 8 टीमों ने टूर्नामेंट के लिए सीधे क्वालिफाई किया है, जबकि 8 अन्य टीमें बाकी 4 स्थानों के लिए क्वालिफाई मुकाबले में आमने सामने होगी, जिसका इंतजार अब दोनों मुल्कों के क्रिकेट प्रेमी कर रहे हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। गुरुवार
रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1949 को कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस महाज्योति सदन का शिलान्यास किया था। भारत से जापान की अंतिम सैन्य टुकड़ी को 1944 में खदेड़ा गया था। भुवनेश्वर 1949 में ओडिशा की राजधानी बनी थी। भारत की परमाणु नीति मसौदे पर नाराज G8 ने 1999 में सभी तरह की मदद पर रोक लगाने की घोषणा की थी। बिहार के धामराघाट में 2013 में ट्रेन दुर्घटना में कम से कम 37 लोगों की जान चली गई थी। नौसेना के कमांडर दिलीप डोंडी 2009 में स्वदेश निर्मित नौसेना नौका महादेव के द्वारा संपूर्ण विश्व की यात्रा के अभियान पर रवाना हुए थे। भारत के क्रांतिकारी नेता एस सत्यमूर्ति का जन्म 1887 को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, लेखक, व्यंगकार और पत्रकार हरिशंकर शर्मा का जन्म 1891 को हुआ था। हिंदी तथा बांग्ला फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता उत्पल दत्त का निधन 1993 को हुआ था। आज ही के दिन को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पेमेंट्स में भारतीय यूजर के लिए आया जबरदस्त फीचर। व्हाट्सएप के पेमेंट्स फीचर ने लोगों के बीच पैसे ट्रांसफर करना बेहद ही आसान बना दिया है। वहीं कंपनी ने यूजर को बेहतर एक्सपीरियंस प्रदान करने की कोशिश भी की है। यही वजह है कि कंपनी ने हाल ही में अपने व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को अपग्रेड किया है और इसमें खास फीचर ऐड किया है। इस फीचर का खास तौर पर भारतीय यूजर के लिए पेश किया गया है और इस फीचर की मदद से यूजर अपने दोस्तों को पैसे भेजते समय पेमेंट बैकग्राउंड जोड़ सकेंगे। कंपनी का कहना है कि इस फीचर की मदद से पैसे भेजने के साथ ही आप आसान से अपनी भावनाएं भी व्यक्त कर सकेंगे, जिसके तहत यह फीचर गूगल पे की तरह काम करने वाला है। बिहार की दो यूनिवर्सिटी में दो रजिस्ट्रार की हुई घोषणा। राज्यपाल के आदेश के साथ ही बिहार की दो यूनिवर्सिटी में नए रजिस्ट्रार की नियुक्ति कर दी गई है। इस बाबत राज्यपाल के निर्देश पर गवर्नर सेक्रेटेरिएट के ज्वाइंट राजकुमार सिन्हा ने जानकारी साझा कर दी है। साझा की गई जानकारी के अनुसार ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम राय अब नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना के रजिस्ट्रार होंगे। वहीं मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर के नए रजिस्ट्रार डॉक्टर सत्येंद्र नारायण सिंह को बनाया गया है। जानकारों की माने तो राजभवन द्वारा इन दोनों विश्वविद्यालयों में नए रजिस्ट्रार की नियुक्ति होने के बाद शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियां पहले की अपेक्षा ज्यादा दुरुस्त होंगी। सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव? अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 18 अगस्त को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,530 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम 24 कैरेट के लिए बात करें तो 10 ग्राम 48,750 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,500 रुपए था। वहीं राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 104.25 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.51 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम गौतम कुमार, राजेश कुशवाहा, शालू कुमारी, आनंद कुमार, बादल बवाली, मंडान यादव, इंडियन मोहम्मद, कुमरुद्दीन, मिस्टर गुड्डू चौधरी, राजीव कुमार, मंजू कुमारी, आमिर दास, रंजीत मेहता, राहुल कुमार, अतुल कुमार दुबे, वरुण कुमार, राजेश रमन, अमन कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार के सरकारी स्कूल की बदहाल स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार को सबसे जरूरी कदम क्या उठाना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे